नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है। इसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो आज जैसा कि आप लोगों को ग्रुप में सूचित किया गया था कि आज आपका जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी का टेस्ट होगा, इसमें टॉप 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे जिससे कि आपके साथ वाले लोग भी क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे अब क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएँ और उनकी तैयारी जो है वो अच्छे से चलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन थे इस PDF में, इसमें से हम आपको 50 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, आप लोग इसका आंसर देंगे। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अब जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग यहाँ पे सुन लेंगे कि उनको आंसर कैसे देना है। जैसे 51 का आंसर आपका ए सही है, जैसे 51 का आंसर अगर ए सही है तो 51 लिखेंगे और आंसर ए इसका लिख देंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने लोग अभी यहाँ पे कौन कौन लोग देख रहा है। ठीक है, और जो लोग अगर पहली बार इस पे चैनल पर आए हुए हैं और अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक ये जो हमारी 7500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 7500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके अभी तक जितने भी क्लासेस हो गए हैं वो आप लोग एक एक करके देखते रहिए। ठीक है, आप लोग इतने पीछे आए हैं तो वो क्लासेस आप लोग डेली एक एक दो दो करके देख लेंगे अपने हिसाब से, और जो आज आप यहाँ पर आएँ आज से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपना। ठीक है, आज से आप लोग रेगुलर यहाँ आएंगे टाइम पर। आप लोग ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़ करके और इसका PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ पे हम आपको सूचित कर देंगे कि कितने बजे क्लास आपकी होती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अस्कुलम, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं और 15 से 20 मिनट के बीच में ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पहले जो क्वेश्चन पढ़ने के 10 सेकेंड बाद का समय आपका होता है, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद हम इसमें आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड आपका टाइम हो चुका है, अब आप लोग इसका आंसर देंगे। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि माता पिता के गुण उनकी संतानों तक गुणसूत्र के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी इसमें से कौन सा है? मछली, छिपकली, मेढक, या फिर ये सभी? 10 सेकंड का समय आपके लिए है और उसके बाद इसका आंसर हम लगाएंगे, तब आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम आपका ओवर हो गया है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी आपका यहाँ पे सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं, मछली भी, छिपकली भी, मेढक भी। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग कौन फैलाता है? निद्रा रोग जो होता है वो कौन फैलाता है? सीसी मक्खी, जू, खटमल, या फिर सैंड फ्लाई? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों को, सभी लोगों को आना चाहिए, एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं एक टेस्ट में, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलिए टाइम आपका ओवर हो गया है और इसका राइट आंसर क्या है? सैंड फ्लाई। ठीक है, निद्रा रोग कौन फैलाता है? तो सेंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? पौधे, केंचुआ, स्तनधारी, या फिर तिलचट्टा? मच्छर में लाल खून का उभर आना
आप लोग कभी मच्छर मारे होंगे तो आप लोगों को पता होगा लाल खून किसके कारण होता है, तो वो स्तनधारी का रस जो रक्त होता है वो चूस लेता है और उसी के कारण इसका लाल रंग होता है। ठीक है, मच्छर में लाल रंग का उभर आना किसके पोषण के कारण होता है, तो स्तनधारी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, हेल्डन, जॉनसन, गाल्टन या फिर मेंडल। ये सभी क्वेश्चन हम आपको थ्योरी का, जब हमने आपकी क्लासेस चलाई थी, थ्योरी वाली क्लासेस भी आपकी बॉटनी जूलॉजी की कंप्लीट हैं, और उसमें जब हमने आपको ये सब एक ही जगह दे दिए थे, ठीक है, उनके नोट्स भी आपके पास अभी भी रखे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नोट्स सेंड किए थे और हमने टेलीग्राम चैनल पर भी किए थे। ठीक है, तो जो लोग इनके नोट्स लेना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आज ही वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और किसी को टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करने में परेशानी होती है तो वो हमारे पास या ऐसी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद हम आपके जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं उसमें कमेंट करेंगे, तो हम आपके देख करके उसका लिंक आपको दे देंगे पर्सनल। तो इसका राइट आंसर क्या है, जॉनसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या फिर आइंस्टाइन ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, किसी जीवित देह के भीतर, जैसे हमारी यहाँ पे जीवित देह है, इसके भीतर अगर कोई भी कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जीवित शरीर के अंदर किसी भी सेल या टिश्यू का मरना क्या कहलाता है, न्यूट्रोफिलिया, नियोफिलिया, नियोप्लेसिया या नेफ्रोसिस, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, एक बार आप लोग दोबारा देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, किस समूह के जीव होते हैं, तो वो डायटम के होते हैं। ठीक है, डायटम के समूह के जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं, एक, दो, बहुत या एक भी नहीं, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं, 10 सेकंड का समय है केवल आपके पास और उसके बाद इसका आंसर हम देंगे। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। केंचुए में कितनी आँखें होती हैं, तो कोई नेत्र नहीं होता है केंचुए में। ठीक है, केंचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बने हैं तो आप लोग ऑप्शन बना लेंगे। ठीक है, पहला जो होता है वो ए, दूसरा बी और तीसरा सी और लास्ट वाला जो है वो डी। अगला क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरेटोमी या ट्यूबेक्टोमी। 10 सेकंड का समय केवल है आपके पास। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेसेक्टोमी। ठीक है, वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, ऑप्शन यूरोक्रोम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अगर कहीं पे कोचिंग वगैरह किए होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बताया गया होगा, अगर नहीं किए हैं यहाँ भी किए हैं तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, सभी लोग आंसर देंगे, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, पक्षी, सरीसृप, भृंग, इन तीन में से ही आपका चौथा देख लेंगे आप लोग, मछली। ठीक है, चौथा ऑप्शन मछली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क
किस होगा यहाँ पे, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं, उसके बाद हम आपको अभी इसके ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन ये सब हम आपको करवा चुके हैं, इसलिए आपसे आंसर पूछना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कौन बच्चा इसको याद कर रखा है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, चलिए अब आप लोग इसके ऑप्शन देख लें, हक्सले, डीब्रीज, लेमार्क या फिर डार्विन। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ह्यूगो डीब्रीज, ठीक है। यहाँ पे ह्यूगो नहीं लिखा है तो आप लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है, ह्यूगो डीब्रीज, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था ना, पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी, और महिलाओं की नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, और महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने में कराने के केंद्र स्थित होते हैं, मतलब क्वेश्चन आप लोग एक बार दोबारा देखेंगे, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में या फिर अनुमस्तिष्क में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। आप लोग अगर इसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मछली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोगों को पता होगा ये, तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, 10 सेकंड आपके लिए, व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोन फिश या फिर मार्लिन। तो इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता है, व्हेल शार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कृत्रिम गुर्दा, ठीक है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे सही से, और इसका आंसर आपका होगा डायलिसिस, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी फिनिश करते हैं। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, मतलब इनमें से कौन एक ऐसा है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, ठीक है। ये मैमल है, ठीक है, इनमें से जो आंसर होगा वो मैमल है, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, एक ही मैमल ऐसा है जो अंडे देता है, बाकी के मैमल्स जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है। एक मैमल्स आपका केवल ऐसा स्तनधारी, आप लोग समझ सकते हैं, वो अंडे देता है, एक्डिना, व्हेल, सेही या फिर कंगारू। तो इसका राइट आंसर एक्डिना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप लोग सही से नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, एक्डिना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर, 10 सेकंड के ज़्यादा समय नहीं देंगे, 10 सेकंड केवल आपका समय है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है, तो सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, पिता का, ठीक है, क्योंकि पिता के कितने, मेल के कितने होते हैं, एक्स वाई, ठीक है, और फीमेल के कितने होते हैं, तो एक्स एक्स, ठीक है। अब ये बाई के ऊपर निर्भर करता है, तो बाई किस में पाया जाता है, तो मेल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चप्पल की आकृति का जंतु है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चप्पल की आकृति का कौन सा जंतु है, पैरामीशियम, जियाइडिया, ट्रिपैनोसोमा या फिर अमीबा। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर देंगे और ये अपने क्वेश्चन जो है वो ख़त्म करते हैं।
71 नंबर क्वेश्चन, चप्पल की आकृति का जंत कौन सा है, तो पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। ठीक है, एंटीजन और एक एंटीबॉडी, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एंटीजन। ठीक है, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, ए बी, ए बी या फिर ओ, ये ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओ, ओ एक ऐसा रुधिर वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला आजार एक बुखार होता है, इसको उत्पन्न करने वाला कौन सा प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनस, एंटमीबा या फिर लेसमेनिया। 10 सेकंड का केवल आपके पास टाइम है। तो इसका राइट आंसर लेसमेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, हेपेरिन इसका आंसर है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, तो हेपेरिन। अगला क्वेश्चन और आज की आपके टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, भालू से या फिर बिल्ली से या फिर मनुष्य से या फिर बंदर से, ऑप्शन आप लोग आंसर देंगे इसका, आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है, आरएच फैक्टर आपने नाम सुना है वो किससे संबंधित है, भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या फिर बंदर से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आरएच फैक्टर किससे संबंधित है, तो बंदर से। ठीक है, तो आज के आपके इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अगले टेस्ट में करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे, अच्छे से इसका आप लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे इसमें। आप लोग केवल एक काम ही नहीं कर रहे हैं, इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी आप लोग थोड़ा भी हमारी तरफ हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई इतना मेहनत से ये सब कुछ कंटेंट तैयार करता है, तो आप लोगों को इतना तो करना चाहिए कि आप लोग इसको जितने भी लोगों को जानते हैं, कुछ लोग कहीं भी कोचिंग भी करते होंगे, तो अपने कोचिंग वाले छात्रों को बताइए कि प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यहाँ पर इतने टाइम आ सकते हैं। ठीक है, आप लोग जितना सहयोग देंगे उतना ही हम लोगों को अच्छा लगेगा, उतना ही हम लोग मोटिवेट होंगे, हमारे मोटिवेशन का स्रोत केवल यहाँ पे आप ही लोग होते हैं। ठीक है, आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।